हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ एयर वॉरियर्स थर्मल हंटर टॉय गन। इस टॉय गन की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, इसके साथ हमें हीट सिंकिंग वाला एक स्कोप भी मिल जाता है। ये स्कोप किस तरह से यूज करना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा गाइस, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। बड़ी ही कमाल की टॉय गन है गाइस, शायद ही आप लोगों ने इस तरह की टॉय गन कहीं पर देखी होगी। इस टॉय गन की रेंज है 22 मीटर्स और यहाँ पे एक खास बात आप देख सकते हो गाइस, इस टॉय गन के साथ हमें चार अलग तरह के डार्ट्स मिलते हैं और 25 यहाँ पे जो रेड कलर वाले डार्ट्स है ये अलग किस्म के हैं। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट के फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसे मैंने कहाँ से खरीदा है, इसका प्राइस कितना है ये भी बता देता हूँ गाइस। इसे मैंने खरीदा था 19 फरवरी को। यहाँ पे हमारी टॉय गन देख सकते हो, इसका प्राइस है 2053। अगर आप ये टॉय गन खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो इसके सारे वायर्स निकाल लेते हैं। इस टॉय गन के ऊपर इतने ढेर सारे वायर्स बांधे हुए थे गाइस, सारे के सारे वायर्स को मैंने हटा दिया। यार ये हटाने में ही मुझे 15 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लग चुका है। तो चलो फटाफट से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं इसके अंदर से बाहर। यह है इसका स्कोप, यह है इसका स्टैक, यह है इसका मैगजीन और पता नहीं गाइस ये क्या काम में आता है। यहाँ पे इसके बुलेट्स, ये बुलेट्स भी मैं यहाँ से अलग कर लूँगा। तो फटाफट से हमारी गन को चलो असेंबल कर लेते हैं। इसका स्टैक यहाँ पर जुड़ा देते हैं, जुड़ गया इसका स्टैक। और यह है इसकी मैगजीन, मैगजीन को यहाँ पे लगाना होता है, मैगजीन भी लग चुकी है। अभी जोड़ते हैं इसका स्कोप, ये रहा। ये जुड़ गया इसका स्कोप। अभी देख सकते हो गाइस हमारी टॉय गन कितनी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है और इसका वजन तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस। ये सारे टॉय गन के अंदर ये जो स्कोप है बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो गाइस ये स्कोप किस तरह से काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यार मुझे इसके अंदर एक चीज़ समझ में नहीं है, ये चीज़ का क्या करना होता है हमें। इसके साथ कोई भी हमें मैनुअल वगैरह भी नहीं मिलती है गाइस, तो पता नहीं ये चीज़ क्यों दी है इन लोगों ने। यहाँ पे इसके डार्ट्स, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर वाले जो बुलेट्स हैं अलग किस्म के दिए गए हैं और ये जो रेड कलर वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज के दिए गए हैं। ये रेड कलर वाले 25 बुलेट्स मिलते हैं हमें, ये जो 4 है ब्लू कलर वाले मिल जाते हैं। तो इसे भी यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ ये स्कोप किस तरह से काम करता है। तो वो स्कोप निकाल देता हूँ मैं पहले यहाँ से। ये जो स्कोप है इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 बैटरीज डालनी होती है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ड्यूरासेल की 3 बैटरीज डाल रखी है इसके अंदर। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं हम इस स्कोप को, यहाँ से कर देता हूँ मैं ऑन। इस स्कोप के अंदर हमें एक ग्रीन कलर का डॉट नज़र आ रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो इस डॉट के सामने मैं जैसे ही अपना हाथ लेके आता हूँ आप देख सकते हो गाइस, ये जो ग्रीन कलर वाला डॉट है ये रेड कलर में चेंज हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये मेरी जो बॉडी में हीट है हीट को सेंस कर रहा है, ये इस तरह से काम करता है। अभी दिख रहा होगा गाइस आपको रेड कलर वाला डॉट, यानी कि हमारा दुश्मन कहीं पर भी छुप जाए गाइस ये स्कोप उसे हर जगह से ढूंढ के निकालता है। क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में हीट होती है हीट से सेंस कर लेता है कि हमारा दुश्मन कहाँ पर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा बटन्स दिए गए हैं, ये बटन्स भी क्या काम करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ये मोड वाला बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही इस बटन को प्रेस करते हो इसके अंदर जो ग्रीन कलर वाली लाइट मैं आपको बता रहा था गाइस ये देख सकते हो ब्लू कलर में टर्न हो चुकी है, ये एक मोड है। वापस से यहाँ पे ब्लिंक भी करती है ये जो ग्रीन कलर वाला डॉट है, यहाँ से आप इस पर सेट भी कर सकते हो इस तरह से। दोस्तों इस तरह के जो स्कोप्स होते हैं रियल वाली गन्स में यूज किया जाता है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी लगी मुझे तो। ये आपको ये स्कोप कैसा लगा गाइस मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो बड़ा ही खतरनाक स्कोप है गाइस, तो चलो इसके ऊपर लगा लेते हैं हम। तो भाई अभी इस गन की क्वालिटी कैसी है देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है थर्मल हंटर बोलकर, इस टॉय गन का नाम ही थर्मल हंटर है। यहाँ से हम इस टॉय गन को लोड कर सकते हैं इस तरह से, देख सकते हो बहुत ही आसान है इसे लोड करना, जैसे शॉर्ट गन में होता है ना गाइस उसी तरह से यहाँ से लोड करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे इसकी मैगजीन, इसकी मैगजीन को निकालने की भी एक ट्रिक होती है गाइस,
तो मैं आपको बताता हूँ, इसे यहाँ पर खींचना होगा और इस बटन को हम पुश करेंगे तो ये मैगजीन इस तरह से निकल आएगी। तो वापस इसे यहाँ पर लगाकर इसे इस तरह से पुश करना होता है। तो ओवरऑल इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, पर नर्व गन से आप इसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हो गाइस। नर्व गन की बात ही कुछ अलग होती है। तो इस मैगजीन को किस तरह से लगाना है यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। इससे पहले जो बसबी की टॉय गन मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसके साथ हमें दो दो मैगजीन्स मिली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा धांसू टॉय गन लगी गाइस मुझे। तो चलो अभी चलते हैं बाहर इस टॉय गन को टेस्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ये हीट सीकिंग किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जो डॉट है ग्रीन बता रहा है, मैं जैसे ही मेरे भाई के ऊपर ये डॉट रख रहा हूँ रेड हो रहा है, देख सकते हो अभी रेड है। यहाँ पे इसकी हीट सिंक कर रहा है, अभी देखना गाइस ग्रीन हो चुका है। अभी मैं जैसे ही इसके ऊपर लेके आता हूँ यहाँ पे इसे डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको सेंस हो रहा है कि सामने एक ह्यूमन है। भाई गजब की टेक्नोलॉजी है यार। भाई काफी ज्यादा पावरफुल है ये टॉय गन। दोस्तों एक और बार ट्राई करते हैं क्योंकि यार इसके मैगजीन में मुझे कुछ दिक्कत नज़र आ रही है, बार बार जो है बुलेट्स इसके अंदर स्ट्रक हो रहे हैं। तो एक और बार मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ। भाई थानोस तो ढेर हो चुका है, पर गाइस इस गन के अंदर मुझे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत लगी, इसके बुलेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुलेट्स है ना गाइस बहुत ही नरम है, आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो रहे हैं ये और जाकर इसके जो गन की नली है वहाँ पर फंस रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इन बुलेट्स से। तो भाई ये जो टॉय गन है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दमदार लगी, इसमें जो पावर है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी एमिंग भी बहुत ही अच्छी है गाइस। खास करके इस टॉय गन के अंदर गाइस इसका हीट सीकिंग जो स्कोप है बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। आप लोगों ने भी देखा होगा गाइस, मैंने पूरी तरीके से डेमो भी दिखाया था आपको ये हीट सीकिंग स्कोप किस तरह से काम करता है। साथ ही साथ गाइस इस टॉय गन के अंदर बहुत सारे कॉन्स भी है। तो सबसे बड़ा कौन है, इसके जो बुलेट्स हैं रेड कलर वाले वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते हैं गाइस, बहुत ही बेकार क्वालिटी के बुलेट्स हैं, बहुत ही जल्दी बेंड हो जाते हैं। मुझे लगता है गाइस इसका जो मैगजीन है मैगजीन भी सही नहीं है, इस वजह से जो बुलेट्स ऊपर आने होते हैं वो सही से नहीं आ पाते हैं, इस वजह से जो बुलेट्स होते हैं इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रक हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक और कॉन भी है, यहाँ पे कोई भी शटर वगैरह नहीं दिया गया है, अगर बुलेट वगैरह फंसती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उस बुलेट को बाहर निकालने में हमें। तो ओवरऑल ये गन तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाइस, आपको कैसी लगी ये टॉय गन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों आपको नेक्स्ट कौन सा वाला टॉय चाहिए मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो टॉय की वीडियो बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने हेलमेट मैग्नीफायर की वीडियो डाली थी, ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर से देख लेना, बड़ा ही कमाल का गैजेट है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है हर्षवीर, तहसीन फातिमा, कीर्तन, रीतम घोष, रीतम राणा,
भूषण रॉय, श्रुतिका पांडे, रोली शर्मा, शेख शफीन, शुभम तिवारी, देबांजन, चरण तेज, अक्षय त्रिवेदी, स्वरोज महबूब, सार्थक गोयल। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पर अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह के कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।